फंसे हुए। फिर अभी ना तुराब तरीके से इनको उठा रहे ताकि ये काटे ना। तुराब इनका मुंह पकड़ लो, मुंह पकड़ लो, ये बहुत मुसीबत में है, पता नहीं कब से बंधे हुए, मर जाएंगे ये। तो जहाँ जहाँ धागे फंसे हुए ना मुंह काट रहे हैं वहां से, ताकि आसानी से उड़ पाए, बाद में ना फंस जाए। तो ये देखो यार, ये तुम्हारे लिए है। उए। उए। देखो देखो कैसे खा रहे हैं, माशाल्लाह। इसे फेंक दोगे क्या नीचे हैं? ये तो टूट जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार आज सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम गोट फार्म में वापस बकरियां लेकर आएंगे। तो ये काम यार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बकरियां ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। सिप्तैन के कहने पर मैंने बकरियां शिफ्ट तो कर दी थी, लेकिन मैंने आज एक चीज देखी कि वो सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, कांप रही थी यार। तो मैंने सिप्तैन को बोल दिया भाई आज पहला काम यही करेंगे हम, सही है ना सिप्तैन? मर्जी है भाई, तुम्हारी मर्जी। यार बकरे बीमार हो जाए वो अच्छा है सिप्तैन? नहीं नहीं सही, जो तुम्हारा दिल कर, लेकिन मैं इस काम में हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उनसे स्मेल आएगी ना, मेरी एलर्जी भी पड़ी ना नोज की, इसलिए। तुम साइड साइड पे रहना ना, जो ही हम सीढ़ियों का दरवाजा खोलेंगे ना वो खुद ब खुद आ जाएंगे नीचे, और फिर फौरन मिनी जू में आ जाएंगी वो। चलो देख, सही है ना यार? छुटकी को आजकल हम ना बांध के रखते हैं, इसके पीछे वजह ये है कि छुटकी हमारे रैबिट्स के पीछे लगती है। छुटकी तो उनके साथ खेलती है, लेकिन खेल खेल में उनको जख्मी कर देती है। चलो यार हम स्कार को पानी पिला के जाएंगे ऊपर। सिप्तैन कह रहा है कि स्कार को प्यास बहुत ज्यादा लगी है। चलो स्कार पानी पी लो, शाबाश। गैया भी डर रही है सिप्तैन, वो देखो यार आज तो खेल रहा है बहुत ज्यादा। स्कार इधर देखो, छुटकी के पास चला जाएगा सिप्तैन, ध्यान करना। स्कार कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। ओए ओए हट, श्यान। यार हमारा स्कार यहाँ से पानी पीने लगी है माशाल्लाह, और ऐसे लग रहा है जैसे ये जंगल में है और कहीं इसको तालाब मिल गया और पानी पीने लग गया, ये है ना सिप्तैन? हाँ, ऐसा लग रहा है। यहाँ से दोस्तों स्कार ने पानी पी लिया है और अब इधर आ गया है, वहां पर शायद इसको भाई पसंद नहीं आ रहा होगा, मैला होगा वो, है ना? हाँ भाई स्कार अभी तक प्यास नहीं उतरी तुम्हारी है? चलो चलो पी लो, ये सारा ही खत्म कर लो, तुम्हारे लिए ही है, शाबाश। यार हमारा स्कार अब बड़ा होता जा रहा है, ये देखें यहाँ से इसके ना बड़ी बड़ी दाढ़ी भी हो रही है, ये देखें कानों से शुरू हो रही है, आपको नजर आ रही होगी, और यहाँ से भी देखें हो रही है, ये देखें हमारा स्कार यार बड़ा होता जा रहा है। ओए क्या हुआ? ओए मैंने कुछ नहीं बोला, क्या हुआ? इधर इधर स्कार, पीछे हो जाओ। इसने पानी पी लिया यार, सिर्फ टेनिस को बंद कर दो यार अब। यार हमने इसको बंद करते हैं, मेन काम जो था बकरियों बेचारों को यार, सर्विस सर्दी से कांप रही थी वो। यार इसको टाइम तो देना, नहीं तो ये जंगली हो जाएगा, फिर नहीं कहना मुझे। अच्छा बकरियों को तो लेकर आए ना, बस दो मिनट इसके साथ खेल ले, फिर बकरियों को लेके आ। अच्छा तुम खेलते रहो, मैं तो जा रहा हूँ ऊपर। ओके सही है यार, मैं ऊपर जा रहा हूँ, बकरियों को आपको दिखाता हूँ, सिप्तैन स्कार के साथ खेलता रहेगा, सही है? ओए मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आ, जा हटो। अभी मैं क्या करता हूँ यार, सब बकरियों को ना नीचे ले जाता हूँ, ये देखे ना सर्दी की वजह से यार इनके बाल जो है ना खड़े हुए पड़े हैं, इसके भी हुए पड़े हैं, इसके भी हुए पड़े हैं, उसके भी हुए पड़े हैं, तो इनको नीचे लेके जाना बहुत ही जरूरी है। तो मैं नवीद भाई को बुला लेता हूँ, उनको साथ करके हम इनको शिफ्ट करते हैं। नवीद भाई वो बकरियों को शिफ्ट करना है, ये घास नीचे ही देंगे उनको शाम की खुराक, सही है? आ जाए आ जाए। चलो चलो जाओ जाओ नीचे जाओ, मिनी जू में तुम्हारा घर है, ये वाला घर तुम्हारे लिए सही नहीं था, शाबाश। जाओ 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 भाई जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तुम दोनों भी जाओ, क्यों खड़ गए हो? चलो जाओ शाबाश, अपनी माँ के पीछे जाओ ना, जाओ शाबाश, जाओ 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 जाओ, डरते नहीं है। बस यार तीन बकरी हमारी चली गई हैं, बाकी ये वाले रहते हैं, ये देखें एक नवीद भाई की बकरी और ये माइलो स्नो। जाओ जाओ शाबाश। ओ यार बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं यार, इनकी माँ चली गई है ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये घबरा रहे हैं कि हम अकेले हो गए। मैं कह रहा हूँ ना नीचे जाओ, चले जाओ, फिर उठाना पड़ेगा तुम दोनों को, फिर दोनों को एक साथ उठा पाओगे? ध्यान करना, गिरने नहीं चाहिए यार, ये हड्डी टूट जाएगी। जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ नीचे ले जाओ, शाबाश। छोड़ दो यहाँ पे, छोड़ दो छोड़ दो, चले जाएंगे अंदर। हाँ भाई आ गए वापस अपने पुराने घर, ये देखिए यार धूप भी लगती रहेगी इनको, यहाँ पर कच्ची जमीन भी है, ठंड भी नहीं लगेगी, तो हमारी बकरियां यहाँ पर बहुत रिलैक्स फील करेंगी खुद को। तो यार ये है वो बर्तन जिसमें ना हमारी बकरियां खाना खाती थी, इसे फेंक दोगे क्या नीचे हैं? ये तो टूट जाएगा, रस्सी लगी हुई है। रस्सी है? अच्छा 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 फिर ठीक है, अच्छा इस रस्सी की मदद से नीचे कर रहे हैं भाई,
ओके, ये तो जल्दी काम हो गया, नहीं तो सीढ़ियों से लेके आते बहुत टाइम लग जाता, जोर भी बहुत ज्यादा लगता। ये तो भाई सही जुगाड़ लगाया हमने, क्या बात है। एक सेकंड भाई आ जाओ, भाई रस्सी की मदद से भाई चलो। तो बकरियों का बंदूर हमने यहाँ पर रख दिया है और हमारी बकरियां देखें यार कितना ज्यादा खुश है। मैंने जूम है यार, सही कह रहा था, तो आप यहाँ पर ज्यादा खुश हैं यार, खेल रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, पर दाना भी थोड़ा थोड़ा खा रही हैं, अच्छा लग रहा है यार। सिटन कैसे का पता चल गया मुझे, क्या ये इस तरह से क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? फंसे हुए, ओ गिर गए, ओए ओए ओए, किधर क्या हुआ इनको, तो खोल जल्दी ध्यान से, वो मुसीबत में लग रहे थे, जैसे दो एक साथ मिले हुए थे, धागों में फंसे हुए। ओए दो कबे, अच्छा गुजड़ मुजड़ हो गए ना, गुजड़ मुजड़ हो गए यार, ये काटते तो नहीं है, वाकई में काटते हैं। फिर अभी ना तुराब तरीके से इनको उठा रहे ताकि ये काटे ना, तुराब इनका मुंह पकड़ लो, मुंह पकड़ लो, ये बहुत मुसीबत में है, पता नहीं कब से बंधे हुए, मर जाएंगे ये, ना शिकार कर पाएंगे ना कुछ। उठा लो उठा लो उठा लो, बहुत ज्यादा धागों में फंसे हुए हैं ये देखें यार, ये देखें इतने ज्यादा धागों में फंसे हुए हैं, ले ओ ले ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको भी खोलते हैं हम नीचे जाके। फिर शुक्र है हमने देख लिया इनको, नहीं तो इन्होंने मर जाना था भाई, बचना नहीं था यार। भी हम क्या करते हैं इनके ना धागे खुलवाते हैं फिर इनको आजाद करते हैं हम। ओ भाई इसने जानबूझ के सिपी दी, देखो देखो ये देखो इधर, क्या मतलब तुम्हें दिखाता हूँ, क्यों कह नहीं रहा था बंधे हुए हैं, किसी ने हरकत की है खुद ब खुद इनको तंग करने की यार। सिपी यार वैसे लोग जादू भी करते हैं कबों से, पता है लोग ना ब्लैक मैजिक करते हैं फिर ये वाले। ओ भाई ये भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है दया, छोड़ देना पहले, पकड़ना पूरा धागा खोलना सारा कुछ, फिर जाके अभी एक भाग जाएगा। हाय हाय हाय, ये उड़ नहीं पा रहा, उड़ नहीं पा रहा, उड़ नहीं पा रहा, चुटकी तुम ना पकड़ लेना, अरे कवे इधर आ जाओ, पूरा पूरा खोलने दो ना। तो यार हमने दोनों कवे पकड़ लिए हैं, अब क्या करते हैं इनको खुलवाते हैं, छोटी कैंची हम लेके आ गए, बस बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर, इनको जल्दी से खोलो तो आप तुम जल्दी से। हाँ चलो चलो शाबाश। तो यार जहाँ जहाँ धागे फंसे हुए ना हम वो काट रहे हैं वहाँ से, ताकि आसानी से उड़ पाए, बाद में ना फंस जाएं, आज़ादी से उड़ पाए। हो गया हो गया हो गया हो गया, पाँव तो खुल गए भाई इसके। हाँ लग तो ठीक रहे हैं, तो अब एक्टिव है ना, भाग रहा था अभी एक्टिव लग रहा है, इसकी जान को मतलब खतरा नहीं है। हमें लगता है हम जब इसको उड़ाएंगे ना ये आसानी से उड़ जाएगा और अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे पहले जी रहा था ना वैसे जिएंगे दोनों। चलो तो आप बस होने ही वाला यार, यहाँ से हो गया। तू थे ना यार जंप करते कर उड़े होंगे सितान। हाँ एक ने अपना पर मारा होगा, दूसरे ने अपना पर मारा होगा। इतना सियाणे नहीं है वो, कव्वे हैं भाई, वैसे कव्वा बहुत सियाणा होता है। पड़ी नहीं थी थस्टिक्रो, देखो खुल गया सिपी। चलो भाई दोनों कव्वे के पाँव पाँव नहीं पाँव और पर हमने दोनों खोल लिए। चलो भाई इनको आजाद करते हैं। यार तुम देख के करो पागल हो, एक तो इनकी हेल्प कर रहे हैं ऊपर से हमें ही काट रहे हैं यार, कितना बेवकूफ है। खाने को देते हैं ना अभी, अच्छा, नहीं आजाद कर दे इधर। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे तुम बोलो भाई। भाई अब तुम दोनों खुल चुके हो, ये बेचारा बीमार लग रहा है सिपाहन, मुझे देख रहे हो उसकी आंखें बंद है। हाँ वो काट रहे हैं ना उसको। हाँ इसकी आंख खराब है, ये ठीक है, ये देखो 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 आंख भी खराब है, ये खुली हुई है, ये वाली बंद है, ये देख रहे हो। चलो इनको लेके चलते हैं, कुछ खाना पीना, रोटी के टुकड़े देते हैं, गोश्त देते हैं, खाएंगे शौक से। ओके 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 यार ये देखो सकते हैं, थोड़े से चावल थोड़ी सी चिकन, ये कटोरी उठाओ हाँ सही है, इसमें चावल डालो, ठंडे करने हैं ना फिर, गर्म ना हो ये ठंडे हैं, ठंडे हैं, ये चिकन भी डाल दो, शाबाश ऐसे। हाँ ये काफी है इनके लिए फीड, ये भी डालो, कुछ ना डालो, गाजर नहीं खाते ये, बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं हम इनको यार, चिकन और चावल, इनके लिए लड़ते हैं ये बेचारे। आज ये देखो यार ये तुम्हारे लिए है। उए। उए, देखो देखो कैसे खा रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिए यार हमारे ये क्रो बहुत ज्यादा भूखे थे, अभी मेरे हाथ में है, इनका डर भी इन्होंने खत्म कर दिया अपना और खाने पर टूट पड़े हैं। सिप्तान इधर 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 मेरी बात सुनो, ये अंदर रखो कटोरी अंदर रखो, शाबाश। और ये कवे भी मैं अंदर छोड़ देता हूँ, जाओ 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 खा लो, ये देखें यार कैसे खा रहे हैं सिप्पी। ओहो बेचारों को यार बहुत ज्यादा भूख लगी, तभी तो उन्होंने देखा भी नहीं कि नई जगह है पुरानी जगह जैसा भी है, ये खाने पे टूट पड़े यार, बहुत ज्यादा भूखे थे बेचारे यार। चलो शुक्र है यार रेस्क्यू हो चुके हैं ये, मैं तो कह रहा हूँ तुराब इनको आज अपने पास रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जब ये नॉर्मल हो जाएंगे सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगे, अच्छा। तो हम इनको आजाद कर देंगे फिर, अच्छा। क्या कहते हो? ठीक
ठीक है ऐसे ही करते हैं, खाना खा ले सही है। ओके वैसे भी रात होने वाली है। ओके सुबह फिर आजाद कर देंगे ना। चले यार ऐसा ही करते हैं, अब हमारे पास ये सेफ है। तो यार हमने कौवों को वहाँ पर रख दिया है, अब आराम से ये खाना खाते रहेंगे। मैं यहाँ लेकिन सोच रहा हूँ सिप्तान इनको मास्टर केज में छोड़ दे तो कुछ होगा तो नहीं। यार ये शिकारी होते हैं कवे, छोटे परिंदों पे हमला। हाँ 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 मुझे याद आ गया यार, हमारा एक दफा बज्जी उड़ा था कवे उसके पीछे लग गए थे, तो ये भी हमला करेंगे है ना सिप्पी। ऐसे ही यार हमारा बज्जी एक मरा हुआ है बस। ये भाई मुझे लगता है लड़ाई वगैरह की है उन्होंने, ये लड़ते रहते हैं ना आपस में। ये कौन से लड़ते होंगे आपस में? वो देखो ना, वो देखो लव बर्ड्स। पहले भी तो यार रहते थे ये अपने साथ एक दूसरे के, मेरे ख्याल में लव बर्ड के साथ इनकी दुश्मनी होगी फिर। वो ये तो होगा अब आपस में। डब्स तो आखिर नहीं मारते, लव बर्ड्स के काम लग रहे हैं मुझे तो। यार हमारे एक बच्ची ना मर गया बेचारा मास्टर केयर में यार, इसको जाके दफना दो सकते हैं। जाओ 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 इधर इधर इधर, मैंने तुम्हें बोला था दफनाना है, तुमने कुत्ते के आगे डाल दिया। यार देखें यार सिप्तान ने ना हमारा जो बज्जी मर है वो देखें, इसने कुत्ते के आगे फेंक दिया कि ये कुत्ता खाएगा, लेकिन कुत्ते ने भी नहीं खाया। भूख है बहुत ज्यादा वो। तो उसने क्यों नहीं खाया फिर बज्जी? उधर चूंटियां खा जा रही थी मिट्टी में, इसने चलो कुत्ता तो खाएगा उसका पेट तो भरेगा। यार तुम उठाओ नहीं खा रहा, तुम इसको दफना के आओ यार। चलो जाओ जाओ जाओ, कुत्ते को गोश्त डाल देते है ना, मैं डाल देता हूँ इसको गोश्त। ये लो भाई ये लो ये लो, ये खाओ तुम, तुम्हारे लिए ये। चलो शाबाश। ओए ब्लैक की भी भाग के आ गई यार। खा लो खा लो खा लो। ओए यार ब्लैक की और कुत्ता, ओए भाग गया कुत्ता ब्लैक की से डर के, लेकिन उसने अपनी एक हड्डी निकाल ली है वहां से ना। देखे खा रहा है यार वो डॉग ना, वो गोश्त के टुकड़े खा रहा है, हड्डी भी साथ में मिक्स थी। हाँ सही किया सिप्तान ये भी, चलो खाता रहेगा। शाबाश, सारा का सारा गिरा दिया नीचे। भाई अब बड़े हो गए, अब यहाँ से नहीं घुस सकोगे तुम, पहले छोटे थे आराम से आना जाना कर लेते थे। जो सुनो जो 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 शाबाश। खैर यार हमारी बकरियां शिफ्ट हो गया, मुझे अब सुकून मिल गया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने दो कवे रेस्क्यू किए हैं जो कि कल हम आज़ाद कर देंगे, अभी वो खाना वगैरह कर रहे हैं, खा पी करेंगे, रात को रेस्ट करेंगे, सुबह इनको हम आज़ाद कर देंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल चैनल में आपको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सुबह आज़ाद करें शाम को करें? सुबह करें, सुबह या देखेंगे अभी, सुबह तो हो। अच्छा बात सुनो, थोड़ा सा घास यार मकई का लेके ना इधर डाल दो। okay. सही है, ये रैबिट्स वगैरह खा लेंगे सारे। okay. और ये कूंज को भी बाहर निकाल दो यार, जरा कुछ नहीं होता।